देखिए कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता क्यों ठुकराया, उसके पीछे राजनीति के जानकारों का ये मानना है कि कांग्रेस अगर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होती है तो उसे मुस्लिम वोट का नुकसान हो सकता है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस क्या मुसलमानों को ये संदेश देना चाहती है कि वो ही उनकी सबसे बड़ी समर्थक है? कांग्रेस को नुकसान का डर क्यों है, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं। चौथी वजह, मुस्लिम वोट बैंक। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी हासिल करती रही है। देश में करीब 20% मुसलमान आबादी है। लोकसभा की 542 में से 115 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 42% अगड़े मुस्लिमों ने कांग्रेस को वोट दिया था, जबकि 2019 में 39% अगड़े मुसलमानों ने कांग्रेस को चुना था। ठीक इसी तरह 2014 में 37% पिछड़े मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया था, जबकि 2019 में 28% पिछड़े मुसलमानों ने कांग्रेस को चुना था। कांग्रेस के पास एक तो मुस्लिम वोट कम, बहुत कम बचा है, क्योंकि ज्यादातर जगह पर क्षेत्रीय दलों के पास चला गया है। लेकिन हिंदू वोट, जिसके लिए वो पिछले 5-7 साल से कोशिश कर रही है कि वो एक इमेज बनाए कि एंटी हिंदू इमेज नहीं बने, उसकी कोशिश कर रही थी, उस इमेज को भी नुकसान होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम वोटों की चिंता है, उसे हिंदू वोटों की भी दरकार है, और इसीलिए यूपी कांग्रेस के नेता रामलला के दर्शन के लिए 22 से पहले 15 जनवरी की तारीख तय कर चुके हैं। पांचवी वजह, गठबंधन का संकट। अब मुद्दा यह है कि गठबंधन में राम मंदिर के मुद्दे पर एक राय नहीं है। ममता बनर्जी ने अब तक जवाब नहीं दिया है, हालांकि जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अखिलेश यादव ने भी जवाब नहीं दिया है। वहीं तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस की सहयोगी पार्टी रही है। डीएमके सनातन के मुद्दे पर बिल्कुल अलग स्टैंड रखती है। कांग्रेस को शायद इस बात का भी डर रहा होगा कि यदि उनका नेतृत्व अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होता है तो फिर डीएमके जैसी सहयोगी पार्टी की नाराजगी का खतरा पैदा हो सकता है। इंडिया गठबंधन का दबाव है कि दक्षिण भारत के ज़्यादातर जो सहयोगी दल हैं उसके, वो नहीं चाहते कि वो भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक पर चलकर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाए, क्योंकि उसे समझ में आता है कि दक्षिण भारत में उसकी एक ताकत हो सकती है। तो इन दोनों कंट्राडिक्शंस के बीच में से कांग्रेस को निकलना था। कांग्रेस ये हिम्मत कर सकती थी कि वो जाना चाहती है राम मंदिर पर जाए, या ये हिम्मत भी कर सकती थी कि साफ कह देती कि नहीं, राम मंदिर को लेकर मसला ही नहीं है, जो दूसरे मसले हैं इस सरकार के, उस पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इनके बीच से जो अक्सर कांग्रेस की आदत होती है कि वो दुविधा में रहती है, उस दुविधा की सुविधा के साथ कांग्रेस ने ये फैसला किया। कांग्रेस दक्षिण भारत में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि उत्तर में तो वैसे भी बीजेपी के सामने वो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन दक्षिण में कांग्रेस पहले कर्नाटक में जीती और फिर तेलंगाना में सरकार बनाई। इन राज्यों में कांग्रेस को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। हालांकि एक तरफ कांग्रेस अगर अपने सहयोगियों को साधने के लिए मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में जाने से मना कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू कह रही है कि कांग्रेस को जाना चाहिए था। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।